अगली खबर का रुख करें। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सीबीआई का प्रयोग प्रतिशोध की राजनीति के लिए गलत है। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बड़े बयान सामने, प्रजातंत्र के अंदर प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्या है इस मामले में, क्या सच्चाई है उस बारे में, तो जब सारे मामले गहराई तक जाएंगे तभी पता चलेगा। और ये हमारी धार्मिक आस्था है, सभी राजनीतिक विचारधारा से उठती है। जहाँ तक 24 की बात आपने कही है, 24 में हर पार्टी अपना अपने अपने प्रयास करे, कांग्रेस पार्टी भी, हम हरियाणा प्रदेश में मजबूती से अपने प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। हरियाणा के अंदर जो सरकार है, उस सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। हर वर्ग उस सरकार से परेशान है, हरियाणा विकास की पटरी से उतरा है, आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में आगे पहुँचा है। तो आज हमारा प्रयास है हरियाणा के अंदर की लोगों में जागृति लाई जाए और दोबारा से हरियाणा विकास पथ पर लौटे, ऐसे प्रयास करें। तो हम भी अपना जो प्रजातांत्रिक धर्म है, विपक्ष के एक मजबूत विपक्ष के, जागरूक विपक्ष के नाते, वो हरियाणा में निभा रहे हैं। वो यात्रा का यही है कि बेरोजगारी जो हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया हरियाणा प्रदेश, असंवेदनशील सरकारें, जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो हरियाणा के देश के लोगों के लिए कार्य करने के बजाय वो खुद स्वयं महकमे बांटकर प्रदेश को लूटने के लिए ये गठबंधन कार्य कर रहा है। पंजाब के अंदर जो कानून व्यवस्था चौपट होने की तरफ बढ़ती जा रही है, देशद्रोही किस्म के लोग वहाँ पर जो है इस रूप में खुलकर सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है।